गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास सिक्स की एक्सरसाइज 3D के जो रिमेनिंग सम है उनको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पार्ट वन जो था वीडियो का उसमें हमने फर्स्ट सिक्स सम जो हैं वो कंप्लीट किए थे। तो आज हम जो हैं जो बचे हुए हमारे सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ इन सम्स को समझेंगे कि ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सेवन्थ सम से स्टार्ट करते हैं। सेवन्थ जो है हमारा, उसकी स्टेटमेंट को समझते हैं पहले। इसमें लिखा हुआ है, संतोष ए फिजिकल एजुकेशन टीचर अरेंज 3 ग्रुप्स ऑफ 140, 91 एंड 63। मतलब 3 ग्रुप हैं उनके पास स्टूडेंट्स के। एक में है 140 बच्चे, एक में है 91 और एक में है 63। तो हमें क्या बताया गया, फॉर द मार्च पास्ट। तो मार्च पास्ट के लिए उन्होंने इन बच्चों के ग्रुप जो हैं उनको सिलेक्ट किया है। इफ़ ही अरेंज सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, मतलब हर एक रो में सेम स्टूडेंट जो है उसने खड़े करने हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ही अरेंज्ड इन ईच रो, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो एक रो में कितने स्टूडेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, जितने हमारे ग्रुप्स के स्टूडेंट्स हैं उसका हमें निकालना है HCF। और HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने जो है कॉमन इनमें फैक्टर, कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो वही जो है हमारा आंसर होगा फाइनल जो होगा हमारा। तो कैसे करना है आपको, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है स्टूडेंट इन 3 ग्रुप्स, तीनों ग्रुप के स्टूडेंट जो है, यहाँ 63 है तो कितने हैं हमारे पास, 140, 91, 63। अब जो है हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट ही अरेंज्ड इन ईच रो, हर एक रो में कितने स्टूडेंट को अरेंज किया जाएगा, तो वो किसके इक्वल होगा, HCF ऑफ 140, 91 एंड 63। HCF का मेथड जो है, वो बहुत से और भी मेथड हैं हमारे पास, अभी जो हमने यूज़ किया है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर बनाए हमने 140 के, कैसे बनाए, 2 पे कैंसिल किया तो 70, 2 पे कैंसिल किया तो 35, 5 पे किया तो 7, 7 पे किया तो 1। नेक्स्ट इसी तरह से 91 के बनाए हैं, 7 पे किया तो 13 और 13 पे किया तो 1। फिर 63 के जो है सेम, 3 पे किया तो 21, 3 पे किया तो 7, 7 पे किया तो 1। अब इनको फैक्टर्स को आपने इस तरह से लिख लेना है। अब हम अगर देखें ध्यान से तो सिर्फ 7 जो है इन तीनों में आता है, बाकी ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो तीनों में आए। तो HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा हो जाएगा 7। तो आंसर आप कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट ही अरेंज्ड इन ईच रो इज इक्वल टू 7। तो ये था हमारा 7th सम। नेक्स्ट सम है 8th। 8th की स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें हमें बताया गया है जेनी द फ्लोरिस्ट हैड 72 रोजेज, मतलब तीन तरह के फूल हैं उसके पास, 72, 27 और 54 मैरीगोल्ड्स। अब इन फ्लावर्स का क्या करती है वो, यूज़ टू मेक बुकेट। तो उसने कुछ बुके बनाने हैं जिसके लिए इनका यूज़ करेगी। शी हैज़ टू मेक आइडेंटिकल बुके, मतलब जितने भी बुके उसको बनाने हैं वो सारे के सारे जो हैं आइडेंटिकल, मतलब सेम नंबर ऑफ फ्लावर से बनने चाहिए, सबके अंदर सेम फ्लावर्स होने चाहिए। जैसे 2 रोज़ हैं, 2 ही ग्लैडियोली हैं और 2 ही मैरीगोल्ड हैं। अब उसने क्या किया, ऑल हैविंग 3 वैराइटी ऑफ फ्लावर, वट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बुकेट। अब अगर आपने इस वीडियो का पार्ट वन देखा है तो उसमें भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कुछ वर्ड्स आपने नोट रखने हैं जो हमारी हेल्प करेंगे पता लगाने में कि क्या हमें निकालना है, HCF या LCM। और वो वर्ड्स हैं, आपने फिर से एक बार सुन लेना है, जिन स्टेटमेंट में मैक्सिमम, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, ये वाले वर्ड्स होंगे उसमें हम HCF फाइंड आउट करते हैं, और जिनमें लोएस्ट, लीस्ट या फिर मिनिमम या फिर सिमल्टेनियसली, इनमें से कोई वर्ड अगर आपको मिलेगा तो आपको LCM निकालना है। तो इसमें जो है हमारे पास मैक्सिमम वर्ड है तो हम जो है HCF निकालेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा आंसर होगा कि कितने बुके वो बना सकती है सेम नंबर ऑफ फ्लावर से। तो हमने आंसर जो लिखना है वो किस तरह से लिखना है, हमारे पास रोज़ जो हैं वो हैं 72, फिर हमने लिखा ग्लैडियोली और फिर मैरीगोल्ड। तो उसके बाद हम लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बुके वो कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू HCF ऑफ 72, 27, 54। अब HCF जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से यहाँ फाइंड आउट करके मैंने दिखा रखा है, आप वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं इसको। इसमें क्या किया है हमने, 72 का जब हमने निकाला है तो वो बना है 2 पे कैंसिल किया 36, 2 पे किया तो 18, 2 पे किया तो 9, 3 पे किया तो 3 और 3 पे किया तो 1। फिर नेक्स्ट जो है इसी तरह से 3 की टेबल में 27 को कैंसिल किया हमने तो ये इसके फैक्टर बने हैं, और 54 को अगर हमने किया तो ये हमारे पास फैक्टर आए हैं। इसके बाद हमने तीनों के फैक्टर्स को लिखा और जो है
अगर हम ध्यान से देखें तो कॉमन क्या है इसमें, कॉमन है ये थ्री जो है तीनों में आता है और सेकंड थ्री भी तीनों में आता है, और कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो तीनों में आता हो, तीनों में आना चाहिए, ध्यान रखना है सबके अंदर कॉमन होना चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 3 × 3 9। तो आंसर हमारा जो हम लिखेंगे वो किस तरह से लिखना है आपको, वो लिखना है आपको मिनिमम नंबर सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बुके इज इक्वल टू 9। तो ये था आपका 8 सम। नेक्स्ट जो है हमारे पास नाइन्थ, नाइन्थ की स्टेटमेंट को समझते हैं। इसमें है ए रूम इज 7 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ये जो यूनिट है हमारी वो दो यूनिट्स में है, तो आपको याद रखना है जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम सेम यूनिट में चेंज करेंगे, दोनों को सेंटीमीटर बना देंगे। और आपने याद रखना है 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट को कि लंबाई चौड़ाई हमें रूम की दे रखी है। इफ़ स्क्वेयर टाइल्स हैव टू बी लेड इन सच ए वे दैट एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइल फिट इन, मतलब एक स्क्वेयर टाइल जो है उसको हमने उस रूम के अंदर लगवानी है, टाइल्स जो हैं इस तरह से लगवानी है कि वो पूरी पूरी फिट आ जाएँ, कोई भी टाइल हमें काटनी ना पड़े। तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट, अभी मैंने कुछ वर्ड्स आपको बताए थे ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट के लिए आपको क्या निकालना होता है, HCF। तो हम HCF फाइंड आउट करेंगे तो हमारा जो आंसर हमें मिल जाएगा। अब उससे पहले हमें जो करना है वो है यूनिट सेम करना। अब यहाँ पर 7 मीटर 20 सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे 7 मीटर को, क्योंकि ये 20 तो पहले से सेंटीमीटर हैं, तो हमें 7 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और इनको कर देना है प्लस। अब 700 कैसे आया, क्योंकि एक सेंटीमीटर में सॉरी एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 7 मीटर में कितने हो जाएंगे 700। तो इस तरह से हमने ये लिखा है यहाँ पे। अब 700 7 मीटर से बन गए और 20 जो है साथ में है, तो टोटल हो गए 720 सेंटीमीटर। फिर ब्रेड्थ ऑफ रूम, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, सेम ऐसे ही कन्वर्ट किया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 में कितने हो जाएंगे 500। उसके बाद 20 प्लस किया तो 520 सेंटीमीटर। तो ये होगी लेंथ ब्रेड्थ इंटू सेंटीमीटर। अब हमें सिंपल इसका काम करना है, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट लेंथ चाहिए, तो हम जो है इनका निकालेंगे HCF। तो हमने किस प्रकार करना है इसको, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू HCF ऑफ 720 एंड 520। अब हमने इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया, 2 पे किया तो 360, फिर से 2 पे किया तो 180, 2 पे किया तो 90, 2 पे किया तो 45। ये आपने खुद ट्राई करना है ताकि आप जो है समझ सकें इसको। फिर 3 पे किया तो 15, 3 पे किया तो 5 और 5 पे किया तो 1। नेक्स्ट जो है 520 को 2 पे किया तो 260, 2 पे किया तो 130, 2 पे किया तो 65, 5 पे किया तो 13 और 13 पे किया तो 1। अब जो है अगर हम फैक्टर्स को ध्यान से देखें तो क्या क्या कॉमन है इसके अंदर, हमारे पास कॉमन है 2, ये भी 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है और एक 5 कॉमन है। अगर आप ध्यान दें तो 2 × 4 × 8 × 5 × 40, तो हमारा आंसर फाइनल जो बनेगा वो बनेगा 40। तो आपने लास्ट में आंसर किस प्रकार देना है, लेंथ ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी यूनिट जो है सेंटीमीटर थी, तो 40 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट लास्ट जो सम है हमारा वो है टेंथ, तो टेंथ की स्टेटमेंट को समझते हैं। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट सेम नाइन्थ जैसा है, बस उसमें लेंथ और ब्रेड्थ थी, इसमें हाइट भी एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई है। तो इसको आप ध्यान से देखें, डबल यूनिट वाली है ये भी, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट, देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ड आया है लार्जेस्ट, तो इसको देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हमें इसमें HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF को फाइंड आउट करेंगे, आगे पूरी स्टेटमेंट का एक बार मतलब समझ लेते हैं, पता तो हमें यहीं से चल गया है। तो पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ टेप कैन बी यूज टू मेजर ऑल थ्री डायमेंशन, मतलब बड़ी से बड़ी कितनी टेप हमारे पास होनी चाहिए जो इनको पूरा पूरा माप सके। द टेप बींग यूज इज एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम इन ईच केस, मतलब पूरा पूरा उसको माप सके। अब ग्रेटेस्ट है तो हमें HCF निकालना है, तो शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट हमने लिखा लेंथ ऑफ रूम 7 मीटर 20 सेंटीमीटर, फिर 7 मीटर सेम जैसे 9 सम में किया था, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 7 में हो जाएंगे 700, फिर टोटल हो जाएगा 720 सेंटीमीटर। अब 560 यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100, तो 5 में 500 प्लस एक्स्ट्रा 60 जो है उसको प्लस किया तो 560। नेक्स्ट जो है आप देखें 4 मीटर है तो 400 सेंटीमीटर। अब इन तीनों का हम जो है HCF फाइंड आउट करेंगे, तो पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप यहाँ देख सकते हैं ध्यान से, इसको आपने खुद सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके आप देख भी सकते हैं अगर कोई मिस्टेक हुई है आपसे या नहीं हुई है।
उसके बाद चेक करने के बाद आपने आगे चलना है। आगे है हमारे पास जो फैक्टर है मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। अगर आप देखें इन फैक्टर्स में तो क्या क्या कॉमन है, तो मैंने यहाँ लिखा ये टू कॉमन है, फिर से अनदर टू भी है हमारे पास, तो इस प्रकार 4 × 2 कॉमन है और साथ में है 5। तो इंट अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 80 सेंटीमीटर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3D और 3D का पार्ट 2, और जिसमें हमने 7th, 8th, 9th, 10th सम को कंप्लीट किया है।